हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटी एक्सेल स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, जो सीरीज चल रही है गूगल सीट की चल रही है, वो भी मेरे मोबाइल ऐप के लिए। जी हाँ, मेरा मोबाइल ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। आईओएस और एंड्रॉयड एंड वेब तीनों पे अवेलेबल है। iptindia.com पे जाके वेबसाइट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में डाला हुआ है आईओएस का लिंक, और गूगल प्ले स्टोर पे आप जस्ट एक्सेल एमआरएस ट्रेनिंग सर्च करेंगे, आपको आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कुछ कुछ इंटरव्यू टाइप के कुछ क्वेश्चंस पे, क्योंकि इस वीडियो में हमने इस डेट एंड टाइम और टेक्स्ट कैटेगरी की फॉर्मूले की डिस्कस किए थे। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियोज में यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया था, उसकी फाइल भी डाल दी थी। अब बात आती है कि इसको कैसे हम सॉल्व करें। तो उसके लिए आपको पहले, सबसे पहले तो मैं ड्राइव पे जाता हूँ और मैं अपना वो टेस्ट फाइल को लोड करता हूँ, क्योंकि एक्सेल में। तो न्यू पे आऊंगा और यहाँ फाइल अपलोड, और डेस्कटॉप से ये रहा टेस्ट क्वेश्चंस की ये फाइल 2 में चला गया लग रहा है। हाँ, टेस्ट क्वेश्चंस, एंड इसको ओपन करता हूँ। ये अपलोड हो रही है, ये अपलोड हो गए, क्लिक करके मैं इसको ओपन कर। ये आपके सामने दिख रहा है क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस हैं। अब वन बाय वन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। इसको व्यू थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूं ताकि आपको अच्छा से दिखे। मैं 200% कर देता हूं। अब मुझे पहला क्वेश्चन है कि मुझे इस सेल A2 के अंदर B कितना है, E कितना है, F कितना है, मुझे अकाउंट करने हैं। तो ऐसे कोई फॉर्मूला नहीं है कि आप ला सकते, से काउंट इफ लोग लगा देते, लेकिन काउंट इफ में क्या होता है, सेल को काउंट देखता है, सेल के अंदर क्या है उसको काउंट नहीं देखता है। तो इसको थोड़ा सा ट्रिक्स पे ले जाना होगा। ये स्मॉल बी है, पहले मैं इसको एक बार बड़ा कर देता हूँ, और मैं यहाँ लेन का फॉर्मूला लगाऊंगा। लेन का फॉर्मूला बताएगा कि टोटल लेंथ कितना है। फिर मैं सब्स्टिट्यूट का फॉर्मूला लगाऊंगा, और सब्स्टिट्यूट के फॉर्मूले में बोलूंगा कि इसमें जाइए और बी को ब्लैंक कर दीजिए, मतलब कि बी को डिलीट कर दीजिए। इसने बी को डिलीट कर दिया, और वापस मैं लेन का फॉर्मा लगाऊंगा और यहाँ पे डालूंगा। अब यहाँ पे देखिए, सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब बी था तो 11 था, मैंने बी को डिलीट कर दिया सब्स्टिट्यूट की मदद से, तो क्या बचा, 9 बचा। मतलब कितना बी था, तो 11 माइनस 19, इस तरह से। लेकिन इसको तो मैं तोड़ के लगाया, अब इसको एक सेल में हम कुछ इस तरह से लगाएंगे। यहाँ पे मैं लगाऊंगा फॉर्मूला लेन का, लेन में मैं इसको लिया माइनस सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट में मैंने, अब क्या है कि बड़े छोटे का फर्क होता है, या छोटा था तो मैं बड़ा किया था, तो अपर का फॉर्मूला लगा देता हूं ताकि अपर में कन्वर्ट कर देगा अपर, और फिर यहां भी अपर अपर लिया, और हमने बोला ब्लैंक, और यहाँ पे क्लोज कर दिया ब्रैकेट, तो एक ही ब्रैकेट क्लोज होगा। और सॉरी, यहाँ यहाँ लेन, इसको लेन के अंदर डालना होगा। हाँ, दो लेन लगा था ना, एक लेन यहाँ डाल दिया, ब्रैकेट क्लोज, और फिर एंटर। तो आपके सामने दो आया। अब मैं इसको छोटा भी कर दूं बी को, जो पहले छोटा था, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब इसको फ्रीज करके इजीली आगे की तरफ ड्रैग किया जा सकता है, और इतना तो आप कर ही सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मुझे इसमें से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग चाहिए, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग चाहिए। तो टेक्स कैटेगरी के फॉर्मूला में हमारे पास, अगर हम बात करें टेक्स कैटेगरी के फॉर्मूला जो हमने आपके साथ डिस्कस की थी, उसमें हमारे पास लेफ्ट का फॉर्मूला था, लेफ्ट भी वही करता है, लेफ्ट फ्रॉम बिगनिंग स्पीक स्ट्रिंग, और ये भी वही करता है, इसमें कोई ऐसा था नहीं। मैचिंग को यहाँ पे रिप्लेस कर देता है, कोई खास नहीं है। तो हमें अपना ट्रिक लेके चलना, तो सबसे पहले मैं लगाऊंगा फॉर्मूला फाइंड का। इसका लगाऊंगा फॉर्मूला फाइंड का, तो फाइंड फॉर्मूला जो है
इसमें हम स्पेस बोल रहा है कि इसमें से स्पेस को अलग करें, स्पेस स्पेस को अलग करें, और इस स्पेस में हमने बोला स्टार्टिंग से शुरू करना है, तो ये आ गया नाइन। फिर मैं लेफ्ट का फॉर्मूला लगाया और लेफ्ट के फॉर्मूले में बोला कि भाई इसमें से फाइंड माइनस वन, नाइन आ गया। तो मैंने फाइंड करियर फाइंड फॉर्मूले को कॉपी करके मैं डायरेक्ट इसके अंदर पेस्ट कर सकता हूँ, इसको सिलेक्ट करके अलग अलग लगा दिया ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो आपको समझाने में, तो इकट्ठा हमें लगा दिया। तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट के लिए आ गया। अब बात आती है राइट की। अगर मैं यहाँ राइट का फॉर्मूला लगाता हूँ और राइट का फॉर्मूला में बोलता हूँ कि इसमें जाओ और इसकी कंप्लीट लेंथ मतलब जितना टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर है उसमें से ये जो नाइन जो हमारा फाइन का है उसको माइनस कर दो तो रिजल्ट आ जाएगा। यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ B2 पे, B3 पे। तो अगर मैं अब नीचे की तरफ इसको ड्रैग करता हूँ तो मेरा फर्स्ट नेम तो अच्छा खासा आ गया, लास्ट नेम भी मेरे पास आ जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होगा जहां पे थर्ड नेम भी रहेंगे, तो थर्ड नेम है वहां प्रॉब्लम हो सकता है। तो उसका क्या उपाय है? उसका तो उपाय कई है, लेकिन यहाँ पे मैं एक और उपाय बताना चाहूंगा क्योंकि मैं वो एग्जाम्पल रैप्ट के लिए रख रखा हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूं, एक और फाइन का फॉर्म में लगा रहा हूं, फाइन फाइन में स्पेस, और हमने यहाँ पे लिया अभी जो स्टार्टिंग वन हमने दिया हुआ है मतलब कि आपकी फाइंडिंग शुरू कहाँ से होगा, आपकी फाइंडिंग शुरू कहाँ से होगा वो होता है। तो यहां पे अगर मैं वन दे दिया तो वही फिर नाइन आएगा, क्या करें इसके लिए? इसके लिए हमने यहां वन ना दे के एक और फाइंड का फॉर्मूला लगाया, फाइंड स्पेस, और हमने इसको सेलेक्ट किया और कॉमा वन दे दिया और इसमें प्लस वन दे दिया, मतलब कि जो फाइंड का रिजल्ट नाइन आएगा, नाइन प्लस वन 10वें नंबर से ढूंढना शुरू होगा। तो यहां तो आएगा एरर, लेकिन जहां पे सेकेंड नाम होगा वहां रिजल्ट आएगा। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला राइट का लगाता हूँ, राइट, और मैंने बोला कि इसमें से कंप्लीट लेंथ जो कंप्लीट इसकी लेंथ है उस लेंथ में से माइनस कर दीजिए जो हमारा लेफ्ट का एग्जांपल है, और ये हमने नीचे की तरफ कर दिया। तो जहां एरर है वहां तो एरर है, जहां पे एरर नहीं वहां पे पूरा नाम आएगा। अब मैं इसको मर्ज करता हूँ ताकि एक सेल में आए रिजल्ट D2। इसको डिलीट कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं कि यहां इफ एरर का फॉर्मूला लगाता हूं, इफ एरर में बोलता हूं कि अगर ये फर्स्ट नेम वाला जो सिंपल फॉर्मूला है अगर वो एरर देता है तो लास्ट नेम वाला जो कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला है वो वर्क ले ले, और आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा। तो मुझे बस करना क्या है कि दोनों फॉर्मूले को उसके अंदर मर्ज कर देना। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इसका आसान तरीका भी है और इसकी और बहुत सारे तरीके से किया जा सकता है। हमने पेस्ट कर दिया और इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर दिया। अब इसको डिलीट कर दीजिए और इसको डिलीट कर दीजिए और इसको उठाइए और इसको तो हैंड का निशान बन जाए तो उठा के इस पर मूव कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें तो मुझे क्या करना है कि इसको कंबाइन करना है। तो बोलेंगे सर क्या इसके लिए तुम कॉल करना नहीं या एंड परसेंट लगा सकते, जैसे कि मैंने बोल दिया यहाँ पे मैं कुछ इस तरह से लगाऊंगा मनीष नाम यहाँ मेरा सर सॉरी क्यों लिखेंगे इसको क्या लिखते हैं मनीष मनीष, इसके बाद एंड परसेंट इन्वर्टर कॉमा में स्पेस दिया लिखा वर्क वर्क है ना, हाँ वर्क फॉर्म। अब इसके बाद एंड परसेंट हमने डेट ऑफ ज्वाइन ले लिया फिर
फिर एन परसेंट, फिर यहां पे स्पेस में मैंने टू दिया, फिर एन परसेंट मैंने ए डेट लिख दिया, तो कंबाइन तो हो गया, बट डेट की जगह पे क्या आ गया? तो ये क्या है कि डेट आपको दिखता कुछ इस तरह से है, पर एक्चुअल में होता नंबर है, ये मैंने आपको कस्टम फॉर्मेटिंग में समझाया था। तो यहां पे जो दिख रहा है आपको, इसको हम टेक्स्ट फॉर्मूले के अंदर ले लेते हैं, टेक्स्ट फॉर्मूला, और फॉर्मेट भी यहां करते हैं हम डी डी डैश एम 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 डैश वाई वाई वाई, चार बार वाई एम कर देते हैं, और इसको भी हम सेम करेंगे जो लास्ट वाले शीट टू है। तो यहां पे टेक्स्ट और यहां पे डी, यहां पे रखेंगे इसको और कॉमा में डी डैश एम 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 डैश वाई 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 एंड अगेन वाई, और इसको एंटर प्रेस कर दिया, आपके सामने रिजल्ट एक परफेक्ट वे में आ गया, एकदम परफेक्ट वे। अब क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर में कुछ नहीं, रैप फॉर्मूला का एग्जांपल देना है। अब यहाँ पे एक्सेल में तो मैं अलग अलग तरीके का देता हूँ, बट यहाँ पे देखता हूँ कि वो तरीका वर्क करता है कि नहीं करता है। यहाँ पे मैंने रैप फॉर्मूला लगाया और रैप फॉर्मूले के अंदर में मैंने ए वाला सैंपल दिया और हमने 85 ले लिया, तो 85 बार रिपीट कर दिया। अब इसको सिलेक्ट करते हैं फॉन्ट में, जो हमारा फॉन्ट होता है डिफॉल्ट कैटेगरी, इसमें एक ब्रिटैनिक बोल्ड नाम का फॉन्ट होता है, इसमें नहीं, मोर फॉन्ट। नहीं, ब्रिटैनिक बोल्ड नहीं, एक्सेल में क्या होता था, ब्रिटैनिक बोल्ड हुआ करता था, जिससे हम इसको चेंज कर देते थे और ये एक इसमें आ जाता था। ये बेटर है पहले से, और इसको छोटा दिखाने के लिए मैं इसको डिवाइड बाय 20 कर देता हूँ या 5 कर दीजिए, यहाँ पे हम 20 बहुत ज्यादा हो गया, 5 कर देता हूँ। ऐसे रेप के और भी एग्जांपल है, एक्चुअली में तो बहुत सारे एग्जांपल है। इसकी कलर चेंज कर दीजिए, इसका फॉन्ट कलर ब्लैक से हम कर देते हैं इसको ग्रीन, इस तरह से एक सेलेब दिखाने का काम करते हैं, जैसे कि डेटा बार की तरह वर्क करता है। क्वेश्चन नंबर 5 वैल्यू से, तो हमारे पास एक वैल्यू का फॉर्मूला होता है, वैल्यू के फॉर्मूले से आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आपका कन्वर्ट हो गया। तो डेट टेक्स्ट फॉर्मूले यहाँ पे खत्म होते हैं। अब डेट एंड टाइम के फॉर्मूले की बात करते हैं, तो जैसे कि मुझे इसमें क्या करना है, ऐड करना है, तो ऐड करने का तरीका वही है, द कविता, यहाँ पे मुझे एज इसकी निकालनी है, एज ईयर मंथ में, तो मैंने यहाँ पे डेट डी आई एफ का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, जो कि हमने आपको क्लास में बताया था, स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट, और यहाँ मुझे चाहिए ईयर में, तो वाई वाई ले लिया, तो वाई आ गया। सेम फॉर्मूला यहाँ पे जाएंगे हम डालेंगे, और यहाँ पे वाई की जगह कर देंगे वाई एम, तो यह आ जाएगा मंथ, और फिर वापस इसमें जाएंगे, सेम फॉर्मूला डालेंगे, इसमें कर देंगे एम डी एम डी, ये हमारा मंथ हो जाएगा। तो ये एज हमारा निकल गया। अब कंबाइन करने के लिए सिंपल सा हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल हम इसको लेते हैं एन परसेंट, और यहाँ पे लिखते हैं स्पेस देके इनवर्टेड कॉमा में एज एज, अब यहाँ पे एन परसेंट, ये 34 ईयर ले लेते हैं, और यहाँ पे हम
यस एंड बट यहां भी देना होगा इसके साथ एंड परसेंट मंथ वापस मंथ स्पेस देते हैं एंड परसेंट और यहां पे हम आपके सामने इस तरह से हमने इसको कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो कुछ नहीं करना है, जैसे कि यहाँ पे सेम यहाँ पे वन इन्वर्टर कॉमा में वन डैश एंड परसेंट हमने मंथ ले लिया, सॉरी इसमें मैंने इक्वल लगाना भूल गया था, इक्वल लगाया और इस पे हमने एंड परसेंट हमने मंथ को सेलेक्ट किया और फिर एंड परसेंट अगर ईयर फिक्स है तो यहाँ पे 2022 कर दिया। ये हमारा अच्छा दो दो बार यहाँ एंड परसेंट लग गया आ गया। अब बट डेट नहीं है, इसको हमें डेट में कन्वर्ट करने के लिए हम डेट वैल्यू का फॉर्मूला अप्लाएंगे, एंटर मारते हैं तो डेट वैल्यू जाएगा, इस पर डेट वैल्यू की फॉर्मेटिंग हम डाल देते हैं और एंड डेट के लिए तो हमें पता है हम करेंगे ईओ मंथ इसको सिलेक्ट करेंगे कॉमा जीरो, इस महीने की डेट आ जाएगी। अब यहाँ पे जैन लिखते हैं तो जैन का स्टार्ट डेट एंड डेट, मार्च लिखते हैं तो मार्च का, तो हर महीने यहाँ पे जो टाइप करेंगे स्टार्ट डेट एंड डेट यहाँ आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अब ड्यू डेट निकालने वाली बात है कि बिलिंग साइकिल कितना है 5 से 6 है, मतलब कि यहाँ पे जो डेट है 27 जुलाई 2020 को अगर बाय किया है तो उसका ड्यू डेट कब आएगा, क्योंकि उसका बिल बनता है 5 तारीख को। तो सिंपल सा हम लगाएंगे फॉर्मूला डे का, डे फॉर्मूले में हमने क्या किया इसमें से डे अलग कर दिया कि अगर 27 यहाँ आ गया तो अब डेट जो है लेस देन इक्वल टू अगर 5 है, मतलब 5 तारीख से पहले शॉपिंग किया है तो उसी महीने की 26 तारीख को पे करेगा। तो यहाँ पे हम डेट फॉर्मूला लगाते हैं, डेट में ईयर जो है हम पिक करते हैं इसी में से, मंथ जो है भी पिक करते हैं इसी में से और डे हमारा फिक्स है 26 और मैनुअल 26 हमने डाल दिया और इसी में कॉमा करते हैं और इसको वापस पेस्ट करते हैं। अगर 5 से छोटा बड़ा या छोटा या बराबर नहीं है, मतलब कि वो अगले महीने को पे करेगा 26 को, तो हमने एक इसमें ऐड कर दिया, मंथ ऐड कर दिया। अब देखिए 26 अगस्त आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 9 में मुझे ऐड करना है, तो वही डेट वाला फंक्शन यूज करेंगे हम, डेट हम ईयर अलग करते हैं इसमें से और इसमें से ईयर अलग करने के बाद उसमें हम 3 साल ऐड कर देंगे, फिर हम यहाँ मंथ लेते हैं, मंथ अलग करते हैं इसमें से, इसमें हम 4 महीने ऐड कर देंगे और वापस हम डे अलग करते हैं, जी हाँ डे, और डे में हम 25 दिन ऐड कर देंगे, तो आपके सामने आ गया। क्वेश्चन नंबर 10 में मुझे चाहिए वर्किंग आवर चाहिए कि इस तारीख को इतने बजे गया और इस तारीख को इतने बजे वापस आया, कितना घंटा वर्किंग किया, तो ब्रैकेट में हम आउट डेट एंड टाइम को प्लस कर देंगे, आउट डेट एंड टाइम को प्लस कर देंगे, अगर इकट्ठा लिखा हुआ तो प्लस करने की जरूरत नहीं है, फिर माइनस अगेन ब्रैकेट में रिपोर्ट डेट और टाइम को आपस में प्लस करके माइनस कर देंगे, आपके सामने रिजल्ट आ गया। ये थी टेस्ट क्वेश्चंस जो कि मैंने बताया, ये फाइल में सॉल्व फाइल में आप लोगों को डाउनलोड कर दे, इसमें अपलोड कर देता हूं ऐप के अंदर, जहां से आप इसकी लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियोज में, थैंक यू।